कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी समुदाय के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती की जा रही है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व पहले से ही सीमित था और अब वह लेटरल एंट्री के जरिए इन समुदायों को और भी दूर किया जा रहा है। या न केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रतिभागी युवाओं के अधिकारों पर हमला है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर भी गहरी चोट है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया आईएएस के निजीकरण की ओर इशारा करती है, जो कि आरक्षण को समाप्त करने की मोदी सरकार की गारंटी है। राहुल गांधी ने सेवी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहली बार एक निजी क्षेत्र से आए व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस देश विरोधी कदम का जोरदार विरोध करेगा। यूपीएससी की लेटरल एंट्री का योजना विरोध समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को इस स्कीम के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह योजना न केवल वर्तमान अधिकारियों बल्कि भविष्य में उच्च पदों पर जाने के इच्छुक युवाओं के लिए भी बाधा बनेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस योजना को असंवैधानिक और बीजेपी सरकार की मनमानी करार दिया।